जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 1 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी साइंस क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने 28 सितंबर के थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग 1 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है एरेनकाइमा, दूसरा ऑप्शन है पेरेनकाइमा, तीसरा ऑप्शन है स्केलेनकाइमा और चौथा ऑप्शन है कोलेनकाइमा। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके चारों ऑप्शन में जो ऊतक का नाम दिया गया है इसमें से कौन सा ऐसा ऊतक है जिसकी कोशिका भित्ति कठोर होती है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट के सिंपल परमानेंट टिश्यू की, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, प्लांट के सरल अस्थाई ऊतक की, तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी प्लांट में 3 प्रकार के सरल अस्थाई ऊतक होते हैं, कौन कौन सा। तो आप कहते हैं कि गुरुजी पहला होता है पेरेनकाइमा, पहला कौन सा होता है पेरेनकाइमा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं मृदु ऊतक कहते हैं। और साथ ही दूसरा आपका कौन सा होता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी दूसरा होता है कोलेनकाइमा, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, आप कहते हैं कि गुरुजी इसको स्थूलकोण ऊतक बोला जाता है, क्या बोला जाता है स्थूलकोण ऊतक बोला जाता है। और आपका तीसरा होता है स्केलेनकाइमा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आप कहेंगे कि गुरुजी इसी को दृढ़ ऊतक बोला जाता है। यानी कि आपके ऑप्शन में जो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा की बात की जा रही है, ये तीनों ही क्या हैं, आप कहेंगे प्लांट के सरल अस्थायी ऊतक हैं, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका पेरेनकाइमा होता है इसकी कोशिकाएं जीवित होती है और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो पेरेनकाइमा टिश्यू होता है वो क्या कहलाता है, जीवित सरल अस्थाई ऊतक कहलाता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि कोलेनकाइमा की कोशिका भी जीवित होती है और इसीलिए कोलेनकाइमा को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप सभी कहेंगे कि गुरु जी इसको प्लांट का जीवित सरल अस्थाई ऊतक बोला जाता है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि स्केलेनकाइमा की जो कोशिका होती है वो मृत होती है और इसीलिए हम लोग स्केलेनकाइमा यानी कि दृढ़ ऊतक को क्या बोलते हैं, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इसको मृत सरल अस्थायी ऊतक बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी सॉल्व हो जाता है, कभी भी आपसे कोई ये पूछे ये बताओ कि प्लांट का जीवित सरल अस्थायी ऊतक कौन कौन सा है, तो आप कहेंगे पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए ये बताओ कि प्लांट का मृत सरल अस्थायी ऊतक कौन सा है, तो आप कहेंगे स्केलेनकाइमा यानी कि दृढ़ ऊतक। मेरे मित्र साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो पेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति होती है, ध्यान में रखिएगा कोशिका भित्ति को हम लोग इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं, तो जो पेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, किससे बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। और साथ ही क्या होती है, तो आप सभी ध्यान में रखना पतली होती है, क्या होती है पतली होती है। और साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग कोलेनकाइमा के सेल वॉल की बात करते हैं, कोशिका भित्ति की बात करते हैं, तो कोलेनकाइमा का जो कोशिका भित्ति होता है ये सेलुलोज और पैक्टीन से बना होता है, किससे बना होता है सेलुलोज प्लस पैक्टीन से बना होता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कोलेनकाइमा ऊतक जो होते हैं इसका किनारे वाला भाग आपको कुछ ज़्यादा मोटा दिखाई पड़ेगा, वो किसके जमाव के चलते, तो आप सभी ध्यान में रखना सेलुलोज और पैक्टीन के जमाव के चलते या फिर सेलुलोज और पैक्टीन के उपस्थिति के चलते। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग स्केलेनकाइमा की कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी स्केलेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति होती है ये कठोर होती है और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि गुरुजी ये दृढ़ होती है। और साथ ही क्या कहते हैं कि जो स्केलेनकाइमा की कोशिका भित्ति कठोर और दृढ़ होती है वो किसके उपस्थिति के चलते, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी लिग्निन के जमाव के चलते, लिग्निन के जमाव के चलते जो हमारा दृढ़ ऊतक होता है उसकी कोशिका भित्ति क्या होती है कठोर और दृढ़ होती है। मेरे मित्र आप सभी क्या देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं कि इस तीनों सरल अस्थाई ऊतक में आपका स्केलेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति है वो आपको कैसा नजर आ रहा है, आप कहेंगे गुरुजी आप ही ने तो लिखा है कठोर और दृढ़ नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, आप कहेंगे स्केलेनकाइमा, तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा।
बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी आपने तो पेरेन्काइमा, एस्केरेन्काइमा और कोलेन्काइमा को बता दिया, लेकिन हमारे पहले ऑप्शन में जो एरेन्काइमा दिया हुआ है ये क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एरेन्काइमा को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में वायुतक कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुतक कहते हैं। अच्छा ये है क्या, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे ये पेरेन्काइमा का प्रकार है। ये क्या है? पेरेन्काइमा का प्रकार है। आप कहेंगे हम कैसे समझेंगे, तो मेरे मित्र आसानी से समझ जाएंगे। आप सबों को ये मालूम होगा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जल में तैरते रहते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसा होता है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो जलीय पौधे होते हैं जो जल में तैरते हैं उसमें कैविटीज़ पाई जाती है, गुहिकाएँ पाई जाती है, और ये जो कैविटीज़ या गुहिकाएँ होती है ये पेरेन्काइमा के बीच में पाई जाती है, और इस प्रकार के पेरेन्काइमल टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं? एरेन्काइमा कहते हैं, यानी कि वायु ऊतक। तो कोई भी आपसे ये पूछे कि ये बताओ कि एरेन्काइमा क्या है, तो आप क्या कहेंगे? ये एक प्रकार का पेरेन्काइमल टिश्यू है। कहाँ पे मिलता है? तो जो जल में तैरने वाले पौधे होते हैं उसके शरीर में गुहिकाएं पाई जाती है, कैविटीज़ पाई जाती है, और ये कैविटीज़ पेरेन्काइमा के बीच में होता है, और इस प्रकार के पेरेन्काइमा को हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे एरेन्काइमा कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है? ऑप्शन दिया हुआ है बर्जीलियस, दूसरा ऑप्शन है डाल्टन, तीसरा ऑप्शन है डेमोक्रेटस, चौथा ऑप्शन है लवोजियर। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों वैज्ञानिक में से कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सुझाव दिया था कि किसी भी तत्व का जो सिंबल है वो उसके नाम के एक या दो अक्षर से रखा जा सकता है। आप कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं तत्वों के, अगर हम लोग बात करते हैं तत्वों के आधुनिक सिंबल के जनक की, आधुनिक प्रतीक के जनक की, तो हम सभी किसका नाम लेते हैं? आप कहते हैं कि गुरुजी जे जे बर्जीलियस का नाम लेते हैं। किसका नाम लेते हैं? जे जे बर्जीलियस का नाम लेते हैं। क्यों? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी अभी जो हम लोग हाइड्रोजन के लिए सिंबल, हाइड्रोजन के लिए सिंबल H लिख रहे हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन के लिए सिंबल O लिख रहे हैं, और एल्यूमिनियम के लिए सिंबल Al लिख रहे हैं, इसके बारे में सबसे पहले किसने सुझाव दिया था? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इसके बारे में सबसे पहले सुझाव जो है वो जे जे बर्जीलियस के द्वारा दिया गया था। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जिस समय केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी उस समय भी कुछ न कुछ तत्वों की खोज हो गई थी, लेकिन उस समय के जो साइंटिस्ट थे वो तत्वों को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग पिक्टोग्राफ का सहारा लेते थे, और ये अलग अलग पिक्टोग्राफ जो होते थे वो किसी एक पार्टिकुलर एरिया के लोगों को समझने में ही क्या होता था? सुविधा होता था, बाकी के लोगों को समझने में सुविधा नहीं होता था। तो जब जे जे बर्जीलियस आए तो उन्होंने बोला कि ये जो पिक्टोग्राफ के द्वारा तत्वों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं तरीका गलत है, और इससे क्या होता है? तो भ्रम पैदा होता है कि कौन सा तत्व क्या होगा और कौन सा तत्व किस नाम से जाना जाएगा। तब उन्होंने क्या बताया कि जितने भी तत्व हैं हमारे पास उन सभी तत्वों को हम लोग उसके नाम के ही एक दो प्रमुख अक्षर से क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो क्या हो जाएगा? उस तत्व का सिंबल हो जाएगा। और जे जे बर्जीलियस ने क्या बताया कि अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में H जो है वो प्रमुखता से क्या होता है? तो सर इसका उच्चारण जब भी हम लोग करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन, यानी कि कहीं ना कहीं हॉ का उच्चारण आता है, और हॉ के लिए यहाँ पे H है, तो यहाँ पे H को क्या मान लिया गया? हाइड्रोजन का सिंबल मान लिया गया। इसी तरह से जब उन्होंने ऑक्सीजन की बात करा तो क्या बोला कि ऑक्सीजन में O लेटर जो है वो प्रमुखता से आता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का सिंबल क्या हो गया? ओ हो गया। एल्यूमिनियम की बात की जाए तो यहाँ पे जो इसके फर्स्ट दो लेटर हैं Al, इसकी जो उच्चारण होती है वो प्रमुखता से होती है, इसलिए इसका सिंबल इन्होंने क्या बताया? Al बताया। तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तत्वों के आधुनिक प्रतीक के जनक कौन थे, हम कहेंगे जे जे बर्जीलियस। वैसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सुझाव दिया था कि तत्वों का जो सिंबल है उसके नाम के एक या दो लेटर से रखा जा सकता है? आप कहेंगे जे जे बर्जीलियस। तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी जे जे बर्जीलियस जो है वो हमारे पहले ही ऑप्शन में है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो डाल्टन भी दिया हुआ है। मेरे मित्र कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए
कि परमाणु सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, आप क्या कहेंगे, डाल्टन ने दिया था। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में डेमोक्रिटस भी है। मेरे मित्र, इस चीज़ को हमने पीछे के सेशन में भी डिस्कस करा है, और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ये दोनों ही क्या थे, ग्रीक दार्शनिक थे, जिन्होंने क्या बताया था कि किसी भी पदार्थ का जो अविभाज्य कण होता है उसे परमाणु बोला जाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में लैबोजियर भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे, कोई भी आपसे ये पूछे आधुनिक रसायन का जनक किसे बोला जाता है, आप कहेंगे लैबोजियर को बोला जाता है। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का नियम किसने दिया, आप कहेंगे लैबोजियर ने दिया। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन दिया हुआ है संचलन, दूसरा ऑप्शन है पोषण, तीसरा ऑप्शन है श्वसन, और चौथा ऑप्शन है उत्सर्जन। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा जीवन प्रक्रिया है जो रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में, यानी कि उष्मा ऊर्जा में बदलता है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग बात करते हैं श्वसन की, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसी को इंग्लिश में रेस्पिरेशन बोला जाता है। और आप सभी क्या कहते हैं, ये जो श्वसन की प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है ये स्लो कम्बसन का उदाहरण होता है। ये क्या होता है, स्लो कम्बसन का उदाहरण होता है, यानी कि धीमा दहन का उदाहरण होता है। और हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा जो है वो ऊष्मा के रूप में निकलती है। श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा जो है वो किस रूप में निकलती है, आप कहते हैं ऊष्मा के रूप में निकलती है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है, आप सभी कहेंगे श्वसन। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, आप सबों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हम लोग कैसे समझेंगे कि जो श्वसन की प्रक्रिया होती है इसमें रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदला जाता है। तो मेरे मित्र, आसानी से समझ सकते हैं, इवन इतना तो आप सभी समझ रहे होंगे कि आपके शरीर में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो किस लिए होती है, तो ऊर्जा के निष्कासन के लिए होती है। अच्छा, ये ऊर्जा का निष्कासन किससे होता है, तो आप सभी कहते हैं कि हम लोग जो खाना खाते हैं और वो जो खाना कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड में बदल जाता है पाचन के बाद, तो इसी सिंपल फूड का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और तब जा करके हम लोगों को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी हम लोग के शरीर में जो भोजन पचता है वो एक्चुअली में सिंपल फूड ग्लूकोज में बदल जाता है। और क्या कहते हैं कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते ऊर्जा का निष्कासन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि श्वसन के प्रक्रिया के दौरान जो आपके बॉडी में पचा हुआ भोज्य पदार्थ ग्लूकोज के रूप में होता है, C6H12O6 के रूप में होता है, ये क्या करता है, तो ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ अभिक्रिया कर लेता है। और अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये 6CO2+6H2O और साथ ही साथ ATP के रूप में ऊर्जा का निष्कासन करता है, जो कि आपका किस फॉर्म में होता है, तो ऊष्मा के फॉर्म में होता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी श्वसन कहते हैं। आप सभी क्या देख रहे हैं कि जो आपका श्वसन की प्रक्रिया में अभिकारक है वो क्या है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, और ये दोनों ही क्या है, आप कहेंगे ये दोनों ही रासायनिक पदार्थ है। तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर जो ऊर्जा होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे रासायनिक ऊर्जा होगा। तो श्वसन प्रक्रिया के दौरान आपका रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जा रहा है, तो आप कहेंगे गुरुजी ATP में बदल जा रहा है, और ये क्या है, तो सर ऊष्मा के रूप में है। तो साफ है कि श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है, तो रासायनिक ऊर्जा जो है वो ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। आप कहेंगे चलो सर इसको तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि हमारे जो पहले ऑप्शन में संचलन दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है। तो मेरे मित्र, संचलन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह गमन करना। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो पोषण भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पोषण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोषण को हम लोग इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। और हम सभी क्या कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि अलग अलग भोज्य पदार्थों से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में उत्सर्जन भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि उत्सर्जन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, उत्सर्जन को हम लोग इंग्लिश में एक्सक्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सक्रेशन कहते हैं। मेरे मित्र, ध्यान में रखिएगा कि हम लोगों के शरीर में कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसका हमारे शरीर के द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है, और ये पदार्थ हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, वेस्टेज मटेरियल होते हैं, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं।
तो आपके शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या बोला जाता है, उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि जब बिजली के एक हीटर स्रोत से 4 एम्पियर का विद्युत प्रवाह होता है तो टर्मिनलों के बीच इसका गतिज अंतर 60 वोल्ट होता है। यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी विद्युत प्रवाह खींचता है। पहला ऑप्शन है 10.5 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 12 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है 24 एम्पियर और आपका चौथा ऑप्शन है 8.5 एम्पियर। क्या होगा इसका आंसर मेरे मित्र? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई हीटर है जिसको स्रोत से 4 एम्पियर का विद्युत धारा मिल रहा है तो कहा जा रहा है कि उसके टर्मिनलों के बीच गतिज अंतर 60 वोल्ट होता है। जब हीटर को 4 एम्पियर का विद्युत धारा मिल रहा होता है किसी स्रोत से, तब उसके टर्मिनलों के बीच में जो गतिज अंतर होता है वो 60 वोल्ट का होता है। फिर कहा जा रहा है यदि गतिज अंतर को 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर जो है स्रोत से कितना धारा लेगी ये आपको बताना। आप कहेंगे गुरुजी ये कैसे बनेगा? मेरे मित्र आसानी से बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो हीटर है उसको पहले कंडीशन में यानी कि फर्स्ट कंडीशन में किसी स्रोत से कितना एम्पियर का धारा मिल रहा है, तो गुरुजी 4 एम्पियर का धारा मिल रहा है और साथ ही गतिज अंतर कितना है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पहले कंडीशन में जो गतिज अंतर है वो दिया हुआ है 60 वोल्ट। बहुत सारे मित्र यहाँ पे कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि गुरुजी ये गतिज अंतर क्या है। भाई मेरे इसी को विभवांतर बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? विभवांतर बोला जाता है। आप लोग कहेंगे अच्छा अब समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है पहले कंडीशन में कि हीटर को स्रोत से जब 4 एम्पियर की धारा मिल रही है तब हीटर के टर्मिनलों के बीच में विभवांतर कितना रह रहा है? 60 वोल्ट। फिर क्या कहा जा रहा है? फिर कहा जा रहा है दूसरे कंडीशन में यानी कि सेकेंड कंडीशन में कि अगर हीटर का जो गतिज अंतर है टर्मिनल के बीच का, जिसको आप यहाँ पे विभवांतर कह रहे हैं, उस विभवांतर को बढ़ा करके 157.5 वोल्ट कर दिया जाए तब स्रोत से हीटर कितना धारा लेगी ये चीज़ आपको बताना है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे तो डाटा मिल गया है लेकिन इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है और वो चीज़ कॉमन क्या है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी वो कॉमन चीज़ है हीटर। कॉमन चीज़ क्या है? हीटर। क्यों? क्योंकि पहले कंडीशन में जिस हीटर से 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है उसका विभवांतर 60 वोल्ट हो रहा है। अब कहा जा रहा है कि हीटर तो हमारा सेम है बस उसके विभवांतर को बढ़ा दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हीटर जो है वो स्रोत से कितना धारा लेगी। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब दोनों कंडीशन में हीटर सेम है तो कहीं ना कहीं हीटर का जो प्रतिरोध होगा, हीटर का जो रेसिस्टेंस होगा वो पहले कंडीशन के लिए सेम होगा और दूसरे कंडीशन के लिए भी सेम होगा। बिल्कुल सर। और जब आप इस चीज़ को समझ गए तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। आप कहेंगे कैसे? तो भाई मेरे जब आप ये कह रहे हो कि गुरु जी फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन दोनों कंडीशन में हीटर का प्रतिरोध समान होगा तो हम लोगों को पहले यहाँ पर क्या करना होगा? तो पहले हम लोगों को यहाँ पर प्रतिरोध निकालना होगा। ध्यान दीजिएगा कि प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला क्या होता है? आप कहते हैं भी बटा आई होता है। क्या होता है? भी बटा आई होता है। आप सभी क्या कहेंगे कि पहले कंडीशन में विभवांतर 60 वोल्ट है और साथ ही साथ धारा कितना है आपका? 4 एम्पियर। ये 60/4 कैंसिल होगा तो कितना होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी प्रतिरोध जो है वो 15 ओम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि अब हीटर का प्रतिरोध आपको मालूम चल गया है और साथ ही साथ हीटर के विभवांतर को कितना बढ़ा दिया जा रहा है, तो 157.5 वोल्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि स्रोत से हीटर जो है वो कितना धारा लेगी। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे हम लोगों को प्रतिरोध मिल गया है 15 ओम और साथ ही साथ विभवांतर 157.5 वोल्ट, तो हम आई तो आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि आई के लिए फार्मूला क्या होता है। तो आप कहते हैं कि गुरुजी आई के लिए फार्मूला होता है भी बटा आर। ध्यान देंगे भी आपका कितना है? 157.5 और साथ ही प्रतिरोध कितना है गुरुजी? 15 ओम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कट के कितना आ जाएगा? 10.5 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 10.5 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब बिजली के एक हीटर स्रोत से 4 एम्पियर का विद्युत प्रवाह होता है तो टर्मिनलों के बीच इसका गतिज अंतर 60 वोल्ट
और फिर कहा जा रहा है कि यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट हो तो हीटर कितनी विद्युत प्रवाह खींचता है। आप कहेंगे यदि गतिज अंतर यानी कि विभवांतर 157.5 वोल्ट होगा तो हीटर जो है वो 10.5 एम्पियर धारा को क्या करेगा, खींचेगा। तो आप देख लीजिए कि 10.5 आपके किस ऑप्शन में। आप कहेंगे सर पहले ही ऑप्शन में, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एब्स में शामिल है, ऑप्शन दिया हुआ है पक्षी, दूसरा ऑप्शन है जलजीवी, तीसरा ऑप्शन है स्तनधारी और चौथा ऑप्शन है मछलियाँ। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि एबीज वर्ग में कौन से शामिल होते हैं। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरु जी जितने भी पक्षी हैं वे सब के सब किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आप कहते हैं एबीज वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, एब्स बोला जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि एब्स में शामिल हैं, आप कहेंगे पक्षी और सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो जलजीवी भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र इसको तो आप सभी समझ रहे होंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, यानी कि वैसा जीव जो जल में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जलीय जीव बोलते हैं या जलजीवी बोलते हैं। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में तो स्तनधारी दिया हुआ, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि स्तनधारी को हम लोग क्या कहते हैं, स्तनधारी को हम लोग मैमेलिया कहते हैं या फिर मैमल्स कहते हैं। तो आपको जो सुविधा लगे आप वो याद रख सकते हैं। ध्यान में रखेंगे कि स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत किस प्रकार के जीव आते हैं, तो आप सभी कहेंगे कि गुरु जी इस वर्ग के अंतर्गत वैसे जीव आते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं। और जो मनुष्य है वो किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी स्तनधारी के अंतर्गत आता है, यानी कि मैमेलिया के अंतर्गत आता है या फिर मैमल्स के अंतर्गत आता है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो मछलियाँ भी हैं, ये बताओ कि मछलियाँ किस वर्ग के अंतर्गत आती है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मत्स्य वर्ग के अंतर्गत, मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आपका कौन आ जाता है, तो जितनी भी मछलियाँ हैं यानी कि जितने भी फिश हैं वे सभी आ जाते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही लॉलीपॉप टाइप सवाल ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान डैश है, ऑप्शन दिया हुआ है 23, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 30 और चौथा ऑप्शन है 40। बताइए कौन न बना देगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरु जी अगर हम लोग बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और साथ ही साथ एटॉमिक मास कितना होता है, 40 होता है। ध्यान में रखिएगा कि एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन करा जा रहा है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान डैश है और हम सभी कहेंगे कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 है, तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र आप सबों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी अगर हमसे ये पूछ दिया जाता कि कैल्शियम की संयोजकता कितनी है, यानी कि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, तब हम सभी क्या कहते, तो मेरे मित्र आप सभी शौक से कहते कि कैल्शियम की वैलेंसी जो है वो 2 होती है, यानी कि 2 होती है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो आपका कैल्शियम है ये आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाया जाएगा, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आवर्त सारणी के वर्ग 2 में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, वर्ग 2 में पाया जाएगा। और साथ ही ध्यान में रखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो आपका कैल्शियम है ये आवर्त सारणी के किस आवर्त में पाया जाएगा, आप सभी ध्यान में रखना कि कैल्शियम जो है वो आवर्त सारणी के आवर्त 4 में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, आवर्त 4 में पाया जाएगा। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आवर्त सारणी में वर्ग 2 के जो एलिमेंट होते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो आप सभी कहते हैं क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है। तो जो आपका कैल्शियम है ये क्या है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कैल्शियम जो है वो एल्केलीन अर्थ मेटल है। क्या है, एल्केलीन अर्थ मेटल है, यानी कि क्षारीय मृदा धातु है। क्या है, क्षारीय मृदा धातु। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कैल्शियम में संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो आप सभी क्या कहेंगे, 2 ही होती है। ना हो तो आप इस चीज़ को भी नोट कर लेंगे कि कैल्शियम में संयोजन इलेक्ट्रॉन की संख्या या संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आप सभी क्या कहेंगे, गुरुजी 2, संयोजकता 2,
आवर्त सारणी के वर्ग दो में मिलेगा और चौथे आवर्त में मिलेगा। क्या है तो आप कहेंगे क्षारीय मृदा धातु है, परमाणु संख्या 20, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 40। उम्मीद करते हैं समझ पाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है लाल लिटमस को नीला कर देता है, दूसरा ऑप्शन है OH को जलीय माध्यम में पेश करता है पिघली हुई स्थिति में, तीसरा ऑप्शन है निष्प्रभावी विकिरण दर्शाता है, और चौथा ऑप्शन है जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है। क्या होगा सही आंसर मेरे मित्र? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है। आपको ये बताना है कि अगर कोई पदार्थ अम्लीय है तो अम्लीय के आधार पर आपके इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ध्यान दीजिएगा कि आपके पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर पदार्थ हमारा अम्लीय होगा, अगर पदार्थ हमारा क्या होगा अम्लीय होगा तो ये लाल लिटमस को नीला नहीं करेगा, ये क्या करेगा? तो आप कहेंगे नीला लिटमस को लाल कर देगा। क्या करेगा? नीला लिटमस को लाल कर देगा। तो जो आपका पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गलत हो जाएगा। आपका दूसरा ऑप्शन क्या है? तो दूसरा ऑप्शन है कि OH को जलीय माध्यम में पेश करता है पिघली हुई स्थिति में। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर अम्लीय पदार्थ को जल में डिजॉल्व किया जाएगा, यानी कि जल में घुलाया जाएगा तो आपका ये कौन सा आयन देगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ये H+ आयन देगा, जबकि आपके ऑप्शन बी में क्या कहा जा रहा है OH- आयन देगा। तो आपका ऑप्शन बी भी क्या है? आप कहेंगे गुरुजी गलत है। ध्यान दीजिएगा कि आपका तीसरा ऑप्शन है निष्प्रभावी विकिरण दर्शाता है। मेरे मित्र क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है और तीसरा ऑप्शन है निष्प्रभावी विकिरण दर्शाता है। तो निष्प्रभाव तभी होगा जब अम्ल बेस के साथ अभिक्रिया करेगा, लेकिन यहाँ पे तो अभिक्रिया नहीं हो रही है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, तो आपका तीसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आपका अगला ऑप्शन है कि जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अम्ल हो या फिर क्षार हो, जब वो वाटर में डिजॉल्व होता है तो वो आयन में टूट जाता है, और आयन में टूटने के चलते अम्लीय या क्षारीय विलयन का जो घोल होता है वो क्या करता है? तो विद्युत का संचालन करता है। तो हमारे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है, ये बात तो बिल्कुल ही सही है कि कोई भी हमारा अम्लीय पदार्थ होगा वे घुली हुई स्थिति में या फिर अपने जलीय विलयन में विद्युत का क्या करेगा? संचालन करेगा। तो अब आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अधातुओं में से कौन सी चमकदार होती है। ऑप्शन दिया हुआ है नियोन, दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है फ्लोरीन, चौथा ऑप्शन है आयोडीन। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यूं तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं यानी कि अधातु होते हैं ये सब कैसा होता है? तो आप कहते हैं धूसर रंग का होता है, यानी कि मटमैला होता है। लेकिन जब बात करी जाती है आयोडीन की तो आयोडीन भी क्या है? आप कहते हैं अधातु है। लेकिन ये क्या है? तो सर अपवाद है। क्यों? क्योंकि आयोडीन जो है वो चमकीला होता है। क्या होता है? चमकीला होता है। आप सभी क्या ध्यान में रखेंगे कि समानता जितने भी अधातु होते हैं वे सबके सब धूसर रंग के होते हैं, लेकिन अपवाद आपका आयोडीन है जो कि कैसा होता है? चमकीला होता है। आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि अधातुओं में से कौन सी चमकदार होती है, आप कहेंगे आयोडीन, और सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक द्रव जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है, द्रव के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना करें। बताइए ना बनेगा? आप कहेंगे गुरुजी आसानी से बन जाएगा, क्योंकि इससे पीछे के सेशन में भी आपने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, ये चीज़ आपको बताना है। और मैंने आपको फार्मूला क्या बताया है मास परसेंटेज के लिए? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आपने फार्मूला बताया है कि मास परसेंटेज के लिए फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन अगुना 100।
मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि मास परसेंटेज का वैल्यू जब भी आएगा तो किस में आएगा, आप सभी याद रखना, प्रतिशत में आएगा। भूल से भी आप ग्राम मिलीग्राम का उपयोग नहीं करेंगे। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी ये तो इंग्लिश में हो गया, हिंदी में कैसे लिखेंगे? भाई मेरे, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, विलेय, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा मास ऑफ सॉल्यूशन बटा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान अगुना 100। ध्यान में रखिएगा कि किसी भी सॉल्यूशन में विलेय आपका कौन सा पदार्थ होता है, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन में विलेय जो होता है वो कम मात्रा में होता है। तो जहां पे भी आपको क्वेश्चन में कोई पदार्थ कम मात्रा में दिखे तो आप समझ जाना कि वो विलेय है, और जो पदार्थ आपको ज़्यादा मात्रा में दिखे तो आप उसको समझ जाना कि ये विलायक है, और जब विलेय और विलायक एक दूसरे के साथ मिलता है तब क्या बनता है, विलयन बनता है। ध्यान देंगे अपने इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक द्रव जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपका 49 ग्राम क्या है, साधारण नमक है, 49 ग्राम क्या है, साधारण नमक है। तो ये जो साधारण नमक है ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे विलेय हो जाएगा, और साथ ही कितना पानी में घोला जा रहा है, तो 320 ग्राम पानी में घोला जा रहा है, तब पानी चेला यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलायक। हमेशा ध्यान में रखना है कि सॉल्यूशन में विलेय कम अमाउंट में होगा, विलायक ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो क्वेश्चन में कैसे पकड़ेंगे, तो क्वेश्चन में जो पदार्थ हमारा कम मात्रा में होगा वो विलेय होगा, जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे विलायक होगा। और क्या ध्यान में रखना है कि जैसे ही विलेय और विलायक, जैसे ही विलेय और विलायक एक दूसरे से मिलेगा तब ये क्या बना लेगा, विलयन बना लेगा। यानी कि विलयन बनने के लिए विलेय और विलायक को क्या करना होगा, तो सर एक होना होगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग अपने क्वेश्चन में द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अब तो आसान है, इसीलिए कि हमको यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान लिखना है, जबकि विलेय का द्रव्यमान कितना है, 49 ग्राम है। तो लीजिए हम यहाँ पे विलेय के द्रव्यमान के जगह 49 कर दिए। अब हमको क्या लिखना है, तो नीचे में है विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन क्या होगा, यहाँ पे तो आपको सिर्फ विलेय और विलायक पता है, आप कहेंगे कि गुरुजी दोनों को जोड़ ना दीजिए तभी ना विलयन बनेगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और जब आप दोनों को मिलाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो हमारा विलयन होगा, जो हमारा विलयन होगा उसमें विलायक है 320 और विलेय कितना है, तो 49। दोनों को जोड़ देंगे तो आपका टोटल विलयन कितना हो गया, आप कहेंगे 369 ग्राम, कितना हो गया, 369। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका विलयन के द्रव्यमान के जगह क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 369 गुना क्या हो जाएगा, 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका 13.279 इतना के समथिंग आएगा, और आप ये कह सकते हैं कि गुरु जी लगभग ये जो है ये 13.28% के आसपास है। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में 13.28% है, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे चौथे ऑप्शन में 13.28% है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि आपके ऑप्शन बी में 13.28 ग्राम लिखा हुआ है, और आपको हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि जब भी मास परसेंटेज की बात की जाएगी तो हमारा क्या होगा सर, प्रतिशत आएगा ना कि ग्राम आएगा। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप 13.28 का वैल्यू देख करके ऑप्शन नंबर बी को ही टिक कर दे और बाद में पता चला कि ये तो हमसे गलत हो गया। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि सही मिलान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि आपके एक तरफ कुछ पदार्थ के नाम दिए गए हैं और दूसरे तरफ उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ का नाम दिया गया है, और आपको बोला जा रहा है कि सही मिलान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि आपके पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, पहले ऑप्शन में जिंक धातु लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जिंक धातु लिखा हुआ है, और दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की गंध लिखा हुआ है, और साथ ही तीसरे में क्या लिखा हुआ है, तो तीसरे में आपका लेड आयोडाइड PbI2 का रंग लिखा हुआ है, और इस साइड आपका 1, 2 और 3 करके इसका प्रॉपर्टीज दिया गया है। पहला में लिखा हुआ है पीला, दूसरा में लिखा हुआ है ग्रे, और तीसरा में लिखा हुआ है पुंगेंट, और आपको बताना है
कि सही मिलान कौन सा होगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरु जी जो जिंक धातु है, जो जिंक धातु है इसका रंग कैसा होता है? आप सभी कहते हैं कि ग्रे होता है। कैसा होता है? ग्रे होता है। तो जिंक धातु किसके साथ मिल जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ये ग्रे के साथ मिल जाएगा। ध्यान रखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस की गंध कैसी होती है? आप कहते हैं कि गुरुजी तीक्ष्ण होती है और इसी को साइंटिफिकली क्या बोला जाता है? पुंगेंट बोला जाता है। यहाँ पे जो आपका SO2 गैस की गंध है वो किसके साथ मिल जाएगा? पुंगेंट के साथ मिल जाएगा। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अंत में बच गया है लेड आयोडाइड का रंग, और हम सबों को अच्छे से मालूम है कि लेड आयोडाइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है? पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हमसे जो कहा जा रहा है कि सही मिलान ज्ञात कीजिए, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे ऑप्शन ए में जो जिंक धातु है इसका रंग ग्रे होता है, तो कहीं ना कहीं ए जो है वो किसके साथ मिलेगा? तो आप कहेंगे टू के साथ मिलेगा। और साथ ही SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस की गंध पुंगेंट होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो बी है वो थ्री के साथ मिलेगा। बी किसके साथ मिल जाएगा? तो थ्री के साथ मिल जाएगा। और साथ ही साथ PbI2 का जो रंग है वो पीला होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो C है वो 1 के साथ मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए कि आपका इस तरह से आपके किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो भाई मेरे आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने रोमन नंबर नहीं लिखा है, हिंदू अरेबिक नंबर लिख दिया है। इसको हम यहाँ पर रोमन नंबर लिख देते हैं ताकि आप सबों को कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत सारे मित्र कहेंगे कि यहाँ पे आप ऐसे डंडी वाला लिख दिए हैं, यहाँ पे ऐसे लिख दिए हैं, तो परेशान नहीं होना है चेला। ये हो गया आपका एक नंबर, ये हो गया दो नंबर, और ये हो गया आपका तीन नंबर। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि डैश ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। ऑप्शन दिया हुआ है यांत्रिक, दूसरा ऑप्शन है विद्युत, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक और चौथा ऑप्शन है ध्वनि। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऊर्जा है जिसमें दो प्रकार की ऊर्जा होती है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले ऑप्शन में जो यांत्रिक दिया हुआ है, तो हम सबों को अच्छे से मालूम है कि जो यांत्रिक ऊर्जा होता है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सम्मिलित रूप होता है। हम लोग क्या कहते हैं कि जो मैकेनिकल इनर्जी होता है वो काइनेटिक इनर्जी और पोटेंशियल इनर्जी दोनों का सम्मिलित रूप होता है। तो मतलब साफ है कि जो आपका यांत्रिक ऊर्जा है इसमें क्या होती है? दो प्रकार की ऊर्जा होती है। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में विद्युत दिया हुआ है और रासायनिक दिया हुआ है, तो क्या ये दोनों ऊर्जा के रूप हैं? बिल्कुल है सर, तभी तो हम लोग विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा की बात करते हैं। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में ध्वनि भी दिया हुआ है, तो क्या ध्वनि ऊर्जा का रूप है? बिल्कुल है सर। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो आपको सुनने की संवेदना प्रदान करती है। कोई भी आपसे पूछे कि ध्वनि को डिफाइन करो, तो आप सभी क्या कहेंगे कि ध्वनि ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो हम लोग को सुनने की संवेदना प्रदान करती है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश ऊर्जा ऊर्जा का वैसा रूप है जो आपको किसी भी वस्तु की देखने की अनुभूति देती है, या किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति देती है। तो आप ये दोनों चीज़ भी ध्यान में रखेंगे, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक सुचालक में से 2 एम्पियर की विद्युत का प्रवाह होता है जिसके दोनों अंत 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर है, सुचालक की प्रतिरोधकता होगी। ऑप्शन दिया हुआ है 1 ओम, दूसरा ऑप्शन है 8 ओम, तीसरा ऑप्शन है 2 ओम और आपका चौथा ऑप्शन है 0.5 ओम। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक सुचालक में से 2 एम्पियर का विद्युत का प्रवाह होता है और इसके दोनों टर्मिनल 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर होती है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी प्रतिरोधकता कितनी है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी गतिज ऊर्जा की जो यहाँ पे बात की जा रही है एक्चुअली वो विभवांतर है। क्या है? विभवांतर है। और विभवांतर कितना है? 4 वोल्ट। और साथ ही साथ कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी 2 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? प्रतिरोधकता पूछा जा रहा है। तो आर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे वी बटा आई होता है। विभवांतर 4 वोल्ट, एम्पियर कितना है सर? 2। तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। सही आंसर।
आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि मंदन डैश है, ऑप्शन दिया हुआ है धनात्मक त्वरण, दूसरा ऑप्शन है चर त्वरण, तीसरा ऑप्शन है अपरिवर्तनशील त्वरण और चौथा ऑप्शन है ऋणात्मक त्वरण। बताइए ना बनेगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी बन गया है। तो सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था। ऑप्शन दिया हुआ है डॉब्रेनर, न्यूलैंड और मोस्ले का, दूसरा ऑप्शन है डॉब्रेनर, मेंडलीफ और मोस्ले का, तीसरा ऑप्शन है डॉब्रेनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ का और चौथा ऑप्शन है मेंडलीफ, न्यूलैंड और मोस्ले का। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी आवर्त सारणी को बनाने में किसी एक वैज्ञानिक का योगदान नहीं रहा है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या करा है, अपना अपना योगदान दिया है। और शुरुआती दौर में आवर्त सारणी बनाने का जो प्रयास है वो किसके किसके द्वारा किया गया था? तो आप कहते हैं कि गुरुजी डॉब्रेनर के द्वारा किया गया था, साथ ही साथ न्यूलैंड के द्वारा किया गया था और साथ ही मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। और मेंडलीफ के आवर्त सारणी से प्रेरित होकर के बाद में चल करके आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है? आप कहते हैं मोस्ले ने बनाया। मेरे मित्र साथ ही आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी डॉब्रेनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ इन तीनों का आवर्त सारणी के लिए जो भी नियम था वो किस पे आधारित था? आप कहते हैं परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। किस पे आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पे बेस्ड था। जबकि मोस्ले का जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये किस पे बेस है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये परमाणु संख्या पे बेस है। किस पे बेस है? परमाणु संख्या पे आधारित है, यानी कि परमाणु संख्या पे बेस। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था। आप कहेंगे परमाणु द्रव्यमान के आधार पर डॉब्रेनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ का था। तो देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में ये तीनों नाम है। आप क्या कहेंगे कि पहले ऑप्शन में डॉब्रेनर, न्यूलैंड और मोस्ले है, पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में डॉब्रेनर, मेंडलीफ और मोस्ले है, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। आपके तीसरे ऑप्शन में डॉब्रेनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ है, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखना है कि डॉब्रेनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ के द्वारा जो आवर्त सारणी के लिए नियम दिया गया था वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, जबकि मोस्ले के द्वारा जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया वो परमाणु संख्या पर आधारित था। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।